हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल क्रिएटिविटी एंड किचन विद मी। और आज हम बनाएंगे माइक्रोनी, वो भी विदाउट मसाले से। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं माइक्रोनी। पहले हम माइक्रोनी को बॉयल करेंगे। इसके लिए हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल। हाँ, पानी थोड़ा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे माइक्रोनी। माइक्रोनी को अब हम भगोने को ढक देंगे और बीच बीच में चलाते हुए इसे बॉयल कर लेंगे। ये देखिए, बीच बीच में चलाते हुए माइक्रोनी को हमने अच्छे से बॉयल कर लिया है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और माइक्रोनी को छान लेंगे। अब हम माइक्रोनी को एक स्टेनर में छान लेंगे। अब तुरंत इस पर डालेंगे ठंडा पानी। इसे ठंडे पानी से इसे धुल देंगे। अब इसको साइड में रख देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, इसमें हम डालेंगे ऑयल। तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। अब डालेंगे प्याज। इसको हल्का सा भून लेंगे। प्याज को हमने भून लिया है, प्याज ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा भूनना है। अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च। इसको भी तेज आंच में हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे टमाटर। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक। अब गलने के लिए टमाटर के लिए इसे हम थोड़ा सा ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, हमारे टमाटर गल गए हैं। इसमें हम करीब डालेंगे आधा चम्मच के करीब चीनी, चीनी को वो अच्छे से मेल्ट होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी। तेज फ्लेम पे पत्ता गोभी को भूनेंगे। ये देखिए, हाई फ्लेम पे हमने पत्ता गोभी को भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे माइक्रोनी। और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे।
इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, पहले भी नमक डाला था और माइक्रोनी में भी नमक डाला था, इसलिए हम बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे। और थोड़ा सा डालेंगे विनेगर वाइट सिरका, अच्छे से मिला लेंगे। हमारी माइक्रोनी बनकर रेडी है, हमने किसी भी तरह के मसाले का यूज नहीं किया है। ये देखिए हमारी माइक्रोनी बनकर रेडी है, इसे आप सॉस डालकर सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, इससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।